हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किंग जे एडिटर। तो मैं हूं जावेद खान। तो कैसे हो भाई, सारे बढ़िया ही होंगे। गाइस मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं यह कॉन्सेप्ट, फुटबॉल वाला, फुटबॉल प्लेइंग वाला कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं आज आपके लिए। बहुत ही जी गाइस, वीडियो लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो बीच में मिस करोगे तो समझ में नहीं आएगा। और मैं इसके अंदर जो भी बैकग्राउंड पेज यूज करूंगा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। और गाइस आपको इस तरीके से एक फोटो क्लिक करा लेनी, इस तरीके से इसका बैकग्राउंड अरेंज कर लेना। बैकग्राउंड कैसे अरेंज करते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके देख लेना। और गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। जो गाइस न्यू एडिटिंग आती है मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ, तो गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। और गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बिना टाइम वेस्ट किए चलते वीडियो की तरफ। तो गाइस सिंपली हम अपना पिक्सआर्ट ओपन करेंगे। तो गाइज पिक्सआर्ट ओपन हो रहा है अपना। तो गाइज हमें वह बैकग्राउंड लेके आना जिसके ऊपर हम एडिटिंग करेंगे। तो गाइज हम बैकग्राउंड लेके आते हैं अपना। तो गाइज हम बैकग्राउंड लेके आ चुके हैं, सिंपली आप देख सकते हो फुल एचडी बैकग्राउंड गाइज, डार्क है। तो गाइज सिंपली हमें एड फोटो पर जाना है, एक फ्लैश पीएनजी लेके आने का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। तो गाइज मैं पीएनजी लेके आता हूँ। तो गाइस सिंपली मैं पीएनजी लेके आ चुका हूँ, इसको हम यहाँ पर लगा लेंगे बड़ा करके। और सिंपली नीचे गाइस प्लांट पर जाना, स्क्रीन कर देना इसको, इस तरीके से लगा लेना बड़ा करके और यहाँ से डन कर देना। तो गाइस हमें ऐड फोटो पर जाना है। तो गाइस हमें वह फोटो लेके आना जिसका हमने बैकग्राउंड अरेंज किया था। तो गाइस मैं फोटो लेके आ चुका हूँ, सिंपली इस फोटो को हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। लगाने के बाद गाइस इरेजर पर जाना और नीचे से इरेज कर लेना अपने शूज को इस तरीके से, और यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद गाइस अपने कैप का कलर चेंज करना हमें थोड़ा सा। तो गाइस सिंपली हमें जाना है इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाने के बाद अपने फ़ोटो को जूम कर लेंगे गाइस हम। गाइस कलर्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, उसके बाद कलर रिप्लेस पर जाना और यहाँ से इसको यहाँ पर लगा देना। तो गाइस ऑटोमेटिक अपने कैप का कलर चेंज हो चुका है। सिंपली इसको तो हम किसी भी तरह का कलर कर सकते हैं, बट हम करेंगे इसमें ब्लू। तो गाइस इसका हम रिप्लेस ह्यू रखेंगे गाइस 234, मिनी ह्यू को हम पूरा कर देंगे 80 और मैक्स ह्यू को भी हम पूरा बढ़ा देंगे गाइस 80 तक। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे फेस पर भी कलर आ रहा है। तो गाइस हमें इरेजर पर जाना है और जहाँ जहाँ पर अपने बॉडी पर कलर आ रहा है गाइस उसको हम कर लेंगे इरेज इस तरीके से इरेज कर देना। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी इरेज कर लेता हूँ, जिस जगह पर कलर आ रहा है अपने बॉडी के ऊपर तो मैं जल्दी जल्दी इरेज कर लेता हूँ। Wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasure. रेज करने के बाद गाइस यहां से डन कर देना। तो आज आप देख सकते हो अपने कैप का कलर चेंज हो चुका है ऑटोमेटिक। तो गाइस सिंपली हमें करना क्या है, हमें ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पर जाने के बाद गाइस अपने टैटू की पीएनजी लेके आनी है और इसको हम अपने हाथ पर लगा लेंगे इस तरीके से। लगाने के बाद गाइस ओपेसिटी कम करेंगे इसकी, नीचे ब्लेंड पर जाना और इसको डार्कन कर देना और यहाँ से डन कर देना। तो गाइस आप लुकिंग देख सकते हो बहुत ही अच्छी लुकिंग आ रही है इस टैटू को लगने के बाद। तो सिंपली हमें करना क्या, फिर से ऐड फोटो पर जाना है और अपने फुटबॉल की पीएनजी लेके आनी। इस बार फुटबॉल की पीएनजी लाने के बाद गाइस अपने पैर पर लगा लेंगे फुटबॉल की इस तरीके से लगा लेना गाइस। लगाने के बाद गाइस थोड़ा साइज और बढ़ा लेते हैं और इसको यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद गाइस अपनी लास्ट पीएनजी लानी है, एड फोटो पर जाएंगे स्मोक वाली। तो गाइस हम उस पीएनजी को लेकर आ चुके हैं, इसको हम बड़ा करके लगा लेंगे यहाँ पर। नीचे ब्लेंड पर जाना, स्क्रीन कर देना। तो गाइस इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के बाद गाइस यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद गाइस अपनी पिक्सआर्ट की पूरी एडिटिंग हो चुकी है। तो गाइस इसमें हम कुछ कलर ग्रेडिंग करेंगे, तो उसके लिए लाइटरूम का यूज़ करेंगे। तो गाइस इस फोटो को कर लेते हैं हम सेव। तो गाइस सिंपली हम अपना लाइट रूम ओपन करना है इस बार। तो गाइस इस फोटो को कर लेते हैं हम ऐड। तो गाइस फोटो को ऐड करने के बाद हमें जाना लाइट्स में। लाइट्स में जाने के बाद कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, हाईलाइट थोड़ी बढ़ानी है, शेडो थोड़ी कम करनी है गाइस, वाइट्स थोड़ा बढ़ाना, ब्लैक्स थोड़ा कम करना। उसके बाद गाइस कलर्स में जाना, थोड़ा टिंट बढ़ाएंगे, वाइब्रेंस थोड़ा बढ़ा देंगे और ऊपर मिक्स में जाना गाइज। तो अपना रेड कलर सेलेक्ट हो रखा है, तो गाइज थोड़ा ह्यू बढ़ा देंगे, सैचुरेशन थोड़ी बढ़ा देंगे, लुमिनस भी थोड़ा बढ़ा देंगे।
तो गाइस उसके बाद हम अपना ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, थोड़ा ह्यू बढ़ाएंगे, सैचुरेशन थोड़ा कम करना, ल्यूमिनेंस थोड़ा बढ़ा देंगे। उसके बाद गाइस अपना ब्लू कलर सेलेक्ट करना, ह्यू थोड़ा कम करेंगे, सैचुरेशन थोड़ी बढ़ानी है, ल्यूमिनेंस गाइस थोड़ा कम कर देंगे। उसके बाद गाइस अपना डार्क ब्लू कलर सेलेक्ट करना, ह्यू थोड़ा बढ़ाएंगे, सैचुरेशन थोड़ी कम करेंगे, ल्यूमिनेंस थोड़ा बढ़ा देंगे गाइस। उसके बाद डन कर देना। डन करने के बाद गाइस नीचे इफेक्ट्स में जाना, इफेक्ट्स में जाने के बाद थोड़ा डैश बढ़ाएंगे, डैश बढ़ाने के बाद गाइस थोड़ा विग्नेट कम करेंगे, मिड पॉइंट थोड़ा बढ़ा देंगे, फीदर थोड़ा बढ़ा देंगे गाइस, राउंडनेस थोड़ा कम कर देना। उसके बाद गाइस नीचे डिटेल्स में जाना, थोड़ा शार्पनिंग बढ़ा देंगे गाइस, नॉइज रिडक्शन थोड़ा बढ़ा देना और कलर नॉइज रिडक्शन भी बढ़ा देना गाइस। तो गाइस अपनी फोटो एडिट हो चुकी है, आप देख सकते हो परफेक्ट तरीके से अपनी फोटो एडिट हो चुकी है। तो गाइस सिंपली इसको शेयर पर जाने के बाद हमें इसको सेव टू डिवाइस कर लेना। तो गाइस ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल कर ले सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।